इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिल्ली, नोएडा, बुलंदशहर और वाराणसी वालों के लिए एक सौगात दी है और ये प्रोजेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में हम आपके डिटेल के साथ आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सर्वे स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन दी है और ये दिल्ली से वाराणसी के लिए 800 किलोमीटर की एक बुलेट ट्रेन का सर्वे स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए और इसे भूमि स्तर पर लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए कंपनी ने सर्वे भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बुलेट ट्रेन के लिए एयर सर्वे, मतलब इसके अंदर एक ऐसी तकनीक यूज की जा रही है और इसके अंदर 60 मेगापिक्सल कैमरा और ये एयर लेस सर्वे होगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम सर्वे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सेंसरों से लैस एयर सर्वर के माध्यम से जो सर्वे किया जा रहा है वह इस सर्वे के अकॉर्डिंग कुल 3 मंथ के अंदर ये सर्वे फाइनल कर दिया जाएगा। अगर वैसे सर्वे किया जाता है तो 1 साल लग जाते हैं सर्वे करने में, लेकिन इस बुलेट ट्रेन को धरती पर उतारने के लिए और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, इसलिए इस पर बहुत ही हाईलेस हाई स्पीड के माध्यम से इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द से जल्द इसका सर्वे कंप्लीट किया जाएगा और आंकड़े सही तरीके से जल्द जुटा पाएंगे। उसके बाद ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHRCL को दे दिया गया है और ये जेवर एयरपोर्ट के आसपास से होकर गुजरेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को हम जल्द ही फील्ड में जाकर दिखाने वाले हैं। भूमि स्तर की सर्वे जो चल रहा है वो भी हम आपको जल्द ही दिखा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।